यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बेबाक अंदाज और बेबाक बोल जनता को खूब पसंद आ रहे हैं। जनता अपने मुख्यमंत्री में जो दम और जो अंदाज देखना चाहती है, वही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जनता को दिखाई दिया है। देखिए, अभी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी हैं, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तेज तर्रार अंदाज जनता को बेहद पसंद आया। जनता को अपने नेता और मुख्यमंत्री से जो उम्मीदें हैं, योगी आदित्यनाथ उन उम्मीदों पर खरे उतरे, तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बेबाक अंदाज और बेबाक बोल जनता को खूब पसंद आ रही है। जनता अपने मुख्यमंत्री में जो दमखम और जो अंदाज देखना चाहती है, वही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिखा। ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी हैं, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। यूं ही नहीं कोई योगी बन जाता, यूं ही नहीं कोई कर्म योगी बन जाता है। इसके लिए दिन रात तपना पड़ता है, इसके लिए हर वक्त असहाय और गरीबों की भलाई के लिए काम करना होता है। तभी तो एक सन्यासी योगी बनता है, और जनता की आवाज और गुंडागर्मी का सर्वनाश करने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होता है। 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गलिये में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी, और फिर ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी की लोकप्रियता में इजाफा, मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय सीएम योगी। सीएम योगी का वोट शेयर 66.18% रहा। योगी की लगातार बढ़ी है देश भर में लोकप्रियता। देश में सबसे लोकप्रिय सीएम है योगी। सीएम योगी के चेहरे पर जनता ने जताया भरोसा। योगी की छवि फायर ब्रांड लीडर जैसी है। सन्यासी वाली छवि से योगी को फायदा। हिंदुत्व के लिहाज से भी देखें तो योगी की छवि फायर ब्रांड लीडर जैसी है, जो जनता के एक वर्ग को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा योगी ने अपनी छवि जिस तरह से सख्त प्रशासक की बनाकर रखी है, उसका भी फायदा योगी आदित्यनाथ को खूब मिल रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगती थी, और समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे, और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में। तभी तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फलक पर भी योगी आदित्यनाथ को ब्रांड की तरह इस्तेमाल करती है। ऐसे में यूपी की जीत में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी अहम है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कामयाबी, लोकप्रियता और अपने दम पर हासिल करते जा रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो यूपी में नंबर 1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
करती है जो अपराध। बरेली के बिथरी में नवनिर्वाचित विधायक राघवेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिथरी की जनता ने बहुत सम्मान दिया और वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिथरी का हर व्यक्ति अपने को विधायक समझे और उन्होंने कहा कि बिथरी में विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसने आपको इतना सम्मान दिया है तो इसके लिए अब आप क्या कहेंगे? जनता जनार्दन है, जनता के बिना तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, मोदी जी योगी जी के जो कार्य पद्धति है, वो इतनी अद्भुत है कि सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो उस पार्टी का हिस्सा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये विजय हुई है। तो अब आपकी आगे क्या योजनाएँ रहेंगी, मतलब बिथरी के लिए क्या क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? जितनी भी योजनाएँ भारत की जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चला रही है, उनको सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते मैं उनको यदि एक एक लोग के तक पहुंचा पाऊंगा जिसको उसकी आवश्यकता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इतनी योजना है, सबको सही से मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ना तो दुखी रहेगा, ना किसी गाँव में सड़क की कमी रहेगी, ना लाइट की कमी रहेगी। योजना है, सरकार ने बहुत काम किया है, निरंतर कर रही है, उन्हीं को आगे। सहारनपुर में हार पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बौखलाहट सामने आई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, हार के बाद उन्होंने अपनी ही बिरादरी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल धर्म सिंह सैनी ने चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। वहाँ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती अगर वो गुमराह न होती, चाहे वो गुमराह हुई है या वो अटल अडवाणी। मेरठ दक्षिण से बीजेपी की जीत पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी है। दरअसल सोमेंद्र तोमर ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और उनकी जीत पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा की है। मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी दुआएं मांगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन की करारी हार को लेकर पहली बार शिवपाल यादव ने खुलकर बोला है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर सपा के पक्ष में अच्छा माहौल था, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर रह गई हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग हार के कारणों का समीक्षा करेंगे और जो खामियां रह गई हैं उन्हें दूर करेंगे। उन्होंने सपा गठबंधन की हार के लिए संगठनात्मक तौर पर रही खामियों को बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति हमारा स्नेह है, संगठन को लेकर खामियां रह जाती हैं। चुनाव तो मुझे जीतना ही था और मैं जसपुर नगर की जनता का बहुत आभारी हैं कि हमें छठवीं बार उसने बहुत बड़े मार्जन से जिताया है। और हमारी खबर गाजीपुर से है जहां जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि जिला जज प्रशांत मिश्रा ने शिरकत की है। इस दौरान जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का उद्देश्य है कि बहुत लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग लघु वाद जैसे मोटर एक्सीडेंट के केस, पारिवारिक वाद आदि जैसे छोटे वाद को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन है और इसका उद्देश्य ये है कि बहुत लंबे समय से जो मामले पेंड कर रहे हैं न्यायालयों में, मामले छोटे हैं, उनका नेचर पेटी नेचर है, MACT एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इसी तरह के बहुत सारे वाद ऐसे जो बहुत लंबे समय से पेंड कर रहे हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर निपटाने के लिए आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
कानपुर में होली के त्योहार में सुरक्षा को लेकर डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से होली के त्योहार को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि जिन जगहों पर होलिका दहन होना है वहां पर बिजली के तारों की कुछ समस्या बताई गई है। इसके साथ ही होलिका दहन के दौरान सड़क खराब न हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। उनका कहना है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। नगर में जो होली को दृष्टिगत त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल हैं वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी, जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं। जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे ख़राब ना हो, तो इस तरह की कई चीज़ें निकल के आई हैं जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। रायबरेली में यूक्रेन में फंसे मेडिकल के सभी छात्र छात्राएं वापस लौट आए हैं, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। बच्चों ने वापस वतन लौटने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है। बुलंदशहर में बाइक सवार बैकऑफ लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर गुड़ व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात उस समय को अंजाम दिया है जिस समय व्यापारी 4 लाख रुपए लेकर घर से मंडी जा रहा था। वारदात से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया है। व्यापारियों ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर पुलिस को चेतावनी दी है। जांच में यह भी सामने आया था कि व्यापारी का 60 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच में जुटी है। बरेली में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना इज्जत नगर में आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने और बाकी के लोगों ने नैनीताल हाईवे पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के अभिनंदन होटल में पुलिस ने छापेमारी कर कमरा नंबर 208 से एक युवक और एक युवती को रंगरलियां मनाते पकड़ा है। पकड़ी गई युवती मेरठ कॉलेज की छात्रा है और युवक आर्मी स्कूल का टीचर है। बताया जा रहा है कि आर्मी स्कूल के प्राइमरी विंग के टीचर देवेश स्कूल से छुट्टी लेकर रंगरलियां मना रहे थे, तो वहीं होटल मालिक ने बताया कि ये दोनों पहले भी होटल में आते रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई है। सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सपा प्रत्याशी सैयदा खातून की जीत के बाद डुमरियागंज स्थित सपा के कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं का है। वीडियो में वो जीत का जश्न मनाते समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ने भी वीडियो पर कमेंट करके बाबा का बुलडोजर याद रखने की बात कही है। बता दें कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सैदा खातून ने भाजपा प्रत्याशी और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को 491 मतों के अंतर से पराजित किया है। एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है जिस दिन मतगणना हुई, उसके बाद शाम का वीडियो है, डुमरियागंज का वीडियो है, और उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल गंभीर धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का और गाली गलौज करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, इस तरह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 15 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, 15 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। कल से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को बहुत परेशान किया गया। माली मैनहा में जैसे जाहिद और हमीद के घर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घर पुलिस 50 पुलिस अंदर घुसकर लेडीज सिर्फ थी, उन लोगों को ढूंढ रहे थे कोने कोने में कि कहाँ गए वो लोग।
बहुत परेशान किया गया और कम से कम 15 लोगों को थाने पे बैठाया गया है, जबकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कोई कहीं से सच्चाई नहीं है, हमारे कार्यालय का नहीं है, सड़क पे कोई क्या कह रहा है और उसकी जांच हो, जो सच पाया जाए उसको सजा दी जाए, क्यों सारे लोगों को सजा दी जा रही है। बरेली में एक बार फिर पैसे रुपयों को लेकर हत्या हुई है। मामला सिरौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक दोनों रिश्तेदारों ने रुपए के लेन देन को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से युवक तेजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी आराम सिंह सहित दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। थाना सिरौली के अंतर्गत एक व्यक्ति रामपाल पुत्र सुमेर सिंह ग्राम मुगलपुरा के द्वारा ये सूचना थाने पर देर रात्रि को दी गई थी कि उसके जो मौसेरे भाई आराम सिंह पुत्र नोनी सिंह के द्वारा उनके जो छोटे भाई हैं तेजपाल पुत्र सुमेर सिंह जो भी 45 वर्ष के हैं इनके द्वारा जो पैसे के लेन देन को लेकर इनकी हत्या कर दी गई है और इन्होंने जो नामजद तहरीर दी उसमें चार लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई है और इसमें धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके जो दो व्यक्ति हैं आराम सिंह पुत्र नौनी राम और सत्यवीर सिंह पुत्र आराम सिंह इन दोनों ही को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक ने नाबालिग पर जानलेवा हमला किया है। 7 साल के नाबालिग पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया है जिससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी नाबालिग बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की मां ने बताया कि मकान को लेकर रिश्तेदार से विवाद चल रहा है और उन्होंने ही बच्चों को मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसके चलते 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बिस्वा जमीन को लेकर विवाद हुआ था, दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और फिर जमकर लाठी डंडे चले। पूरा मामला उमरी भवानीपुर गांव का बताया जा रहा है। झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई और मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग ने विकराल रूप ले लिया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हालांकि तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रहा था अपने घर पे, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया 4:30-5 के समथिंग कि एक दुकान में आग लग गई है रोड पे। तो ये दुकान हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छी खासी, काफ़ी माल भरा हुआ होता है, इसमें उनका बहुत नुकसान हो गया। और मैंने जब आके देखा तो दमकल विभाग वाले आग बुझा रहे थे, लेकिन तब तक वो सारी दुकान जल चुकी थी। सो रहा था अपने घर पे। बरेली के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन्स में एमसीआई प्लाजा के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, तो वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।